हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस नए वीडियो में। और हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नाम के चैप्टर के प्रत्येक पैराग्राफ को इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं, बिल्कुल हिंदी में, अपन देसी भाषा में बहुत ही आसान करके समझाने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो बनता है। चलिए बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नाम का जो पहला आपका चैप्टर है, इसके होम पेज को इसके पहले वाले वीडियो में हमने समझा दिया था। उसमें क्या समझाया था कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नाम का जो चैप्टर है, इसके राइटर कौन है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नाम का जो चैप्टर है, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के जो लेखक हैं वो हैं महात्मा गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, और मैंने ये भी बताया था कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1948, बाय द हैंड ऑफ फैनेटिक, यानी कट्टरपंथियों के हाथ से इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए मैंने क्या किया कि होम पेज पढ़ाने के बाद ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ ना, ये आप जब पूरा अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम आपके इस चैप्टर का निचोड़ कितना मेहनत से निकाले हुए हैं। देखिए, हमने आपके इस चैप्टर को पूरा बढ़िया से पढ़ा, उसके बाद से प्रत्येक पैराग्राफ से मेन जो पैराग्राफ है ना, उसको समझ करके उसका निचोड़ जो है ना, अपने हिसाब से इस पैराग्राफ को तैयार किया। फिर इसको जो है ना, अब इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी में करके जब समझाएंगे, तो फिर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नाम का जो चैप्टर है, इसमें दिए गए एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। आप यूं चुटकी बजा करके सारे क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। सो बिना देर किए लेट्स गो टू स्टार्ट। तो यहां देखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके राइटर कौन है, तो मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए इसमें क्या लिखते हैं, देखिए लिखते हैं कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। देखिए ये क्या कहते हैं कि सभ्यता आचरण का वह, देखिए यहां पर क्या है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता आचरण का वह तरीका है। मोड माने यहां पर तरीका ही समझ लीजिएगा। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता आचरण, कंडक्ट माने आचरण, सभ्यता आचरण का वह तरीका है विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी। थोड़ा बड़ा हो गया, डर तो लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जो क्या करता है, कर्तव्य का मार्ग दिखाता है। देखिए पथ ऑफ ड्यूटी बोले तो डायरेक्ट इसको समझिएगा कर्तव्य, ठीक है ना, यानी जो आप काम कर रहे हैं ना, उस काम को सही तरीके से करने का मार्ग दिखाता है, क्या, सिविलाइजेशन, ठीक है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है देखिए, और यही सिविलाइजेशन मैक्स, ठीक है ना, क्योंकि कॉमा देकर के मैक्स लिखा है, तो सिविलाइजेशन मैक्स अ मैन सिविलाइज्ड, और यही सभ्यता, ठीक है ना, इंसान को क्या करता है, सभ्य और संस्कारी बनाता है। कल्चर्ड माने संस्कारी, देखिए सिविलाइज्ड मतलब होता है सभ्य और कल्चर्ड मतलब होता है संस्कारी। तो देखिए कितना आसान हो गया, देखिए सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता आचरण का वह तरीका है विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी, जो इंसान को कर्तव्य का मार्ग दिखाता है, और यही सिविलाइजेशन मैक्स अ मैन सिविलाइज्ड एंड कल्चर, और यह सभ्यता मनुष्य को क्या करता है, सभ्य और संस्कारी बनाता है। अब आगे देखिए क्या लिखते हैं गांधी जी, द गुजराती इक्विवेलेंट ऑफ सिविलाइजेशन मीन्स, देखिए गुजराती की अगर भाषा में देखा जाए तो गुजराती का अगर इंटरप्रिटेशन निकाला जाए कि गुजराती में इसका माने सभ्यता का मतलब क्या होता है, तो गुजराती वाले कहते हैं कि सिविलाइजेशन मीन्स हम एक गुड कंडक्ट समझते हैं, यानी अच्छी आचरण समझते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए दूसरे पैराग्राफ का हमने जो निचोड़ निकाला है वो देखिए। देखिए पैराग्राफ स्किप करके और उसमें दिए गए मेन जो पैराग्राफ है ना, उसका निचोड़ करके हम अपने हिसाब से पैराग्राफ तैयार किए हैं, ठीक है ना, आप लोग घबराएंगे नहीं, ये समझने के बाद वीडियो अंत तक देखिए, ये समझने के बाद ना एक भी आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ। अब सेकेंड पैराग्राफ में गांधी जी क्या कहते हैं, देखिएगा, वी नोटिस डैट, इसका हिंदी क्या है, वी नोटिस डैट, हमने इस चीज का ध्यान किया है, ठीक है ना, वी नोटिस डैट, हमने इस चीज को ध्यान किया है, ठीक है ना, इस चीज को हमने थोड़ा सा मैंने नोटिस किया है कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, क्योंकि देखिए इससे भी कुछ क्वेश्चन है दिया हुआ, दिमाग एक बेचैन चिड़िया है, दी मोर इट गेट्स दी मोर इट वांट्स। देखिए अगर हम किसी चीज की जितना ही चाह रखेंगे ना, हमारे दिमाग इतनी बेचैन चिड़िया की तरह काम करता है ना, कि उतना ही लेने के बावजूद भी लगता है कि मुझे और चाहिए। तो इसीलिए गांधी जी क्या लिखते हैं, वी नोटिस डैट, हमने ध्यान किया है डैट कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, दिमाग क्या है, बेचैन पंछी है, दिमाग एक बेचैन चिड़िया है, द मोर इट गेट्स, जितना ही इसको दो
द मोर इट वांट्स, अगर हम जितना ही खुश रहते तो सोचते और ज्यादा खुश होते तो कितना मजा आता, ठीक है ना। एंड एंड आ गया, स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। देखिए हम लोग कितना भी खुशी हो जाए फिर भी हम लोग सोचते हैं क्या कि नहीं और खुशी होना चाहिए। अब देखिए मान लीजिए मेरे पास अगर बाइक है तो मैं सोचता हूँ कि मेरे पास फोर व्हीलर हो जाता तो बहुत बढ़िया होता। फोर व्हीलर हो जाए तो हम लोग सोचते हैं क्या कि क्यों ना हमारे पास दो चार फोर व्हीलर हो जाए, तो ट्रक हो जाए, तो ट्रैक्टर हो जाए, तो मतलब हमारी दिमाग जो है ना एक बेचैन चिड़िया है, ठीक है ना। हमारे पास जितनी भी हो जाए फिर भी हमारे अंदर एक बेचैनी होती है कि मेरे पास और भी कुछ हो जाए। मैं 10,000 कमा रहा हूँ, चलो भाई 10,000 और एक्स्ट्रा कमाने की कोशिश करूँ, 20,000 कमाओ, फिर हम सोचते हैं 40,000 कमाओ। मतलब हमारा दिमाग जो है ना एकदम बेचैन रहता है कि मतलब ये चीज़ हो गया तो क्या और चीज़ किया जाए, ठीक है। इसलिए क्या है ये लिखते हैं कि हमारी दिमाग जो है ना एक बेचैन चिड़िया है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ही इसको दो उतना ही ये चाहता है। स्टिल रिमेंस अनसेटिस्फाइड, फिर भी वो क्या है असंतुष्ट रह जाता है, कितना भी दो वो असंतुष्ट रह जाता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर फैशन, जितना ही हम लोग अपने फैशन में इन्वॉल्व होते हैं, द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम, उतना ही वो क्या हो जाते हैं हम लोग माने निराशा हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अब ये फैशन होने के बाद अब मेरी संतुष्टि मिल जाएगी, नहीं, फिर हम लोग सोचते हैं कि और भी फैशन होना चाहिए था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, दियर फॉर जो भी हो मतलब इसलिए, आवर एंसेस्टर दियर फॉर माने इसलिए, हमारे पूर्वज, ठीक है ना, इसलिए दियर फॉर का मतलब क्या हुआ इसलिए, एंड आवर एंसेस्टर हमारे पूर्वज कहते हैं सेट ए लिमिट, एक लिमिट तय किया जाए टू आवर इंडल्जेंसेस, यानी कि हम अपनी जो इच्छा है ना, हमारी जो इच्छा है उस इच्छा को सेट किया जाए, क्योंकि हम अपनी इच्छा को जितना ही बढ़ाएंगे ना उतना ही इच्छा बढ़ते जाएगा, फिर भी हम लोग अनसेटिस्फाइड रहेंगे। दिस साव, उन लोगों ने देखा है डैट हैप्पीनेस वॉज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, ज़्यादा खुश रहना भी हमारे लिए क्या हो जाता है एक तरीका का मतलब सजा बन जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला पैराग्राफ में गांधी जी क्या कहते हैं, देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, हमारी जो भारतीय सभ्यता है ना वो यूरोप की सभ्यता से अलग है, ठीक है ना। इट इज बिकॉज, क्योंकि यूरोपियन सिविलाइजेशन जो भारतीय सभ्यता है फॉलोज द इंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीस एंड रोम, ये जो यूरोप सभ्यता है ना ये क्या चीज़ को फॉलो करता है, ग्रीस और रोम, जो ग्रीस और रोम में जो नियम चलता है ना, जो कायदा कानून चलता है उस चीज़ को फॉलो कौन करता है, यूरोप सभ्यता करता है। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखे हैं एज ए कंपेरिजन लिखे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, ये यूरोप की सभ्यता से क्या है हमारा भारतीय जो सभ्यता है ना वो अलग है, क्योंकि यूरोप सभ्यता जो है ना वो क्या चीज़ के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, ग्रीस और रोम को। बट लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन इज येट स्टेबल, बट के बाद क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन इज येट स्टेबल, अगर भारतीय सभ्यता की बात करें तो अभी भी स्थिर है, बिकॉज क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन फॉलोज द पथ ऑफ गिवन बाय आवर एंसेस्टर, हमारी जो भारतीय सभ्यता है हमारे पूर्वजों के द्वारा बोई गई बीज जो है ना, यानी सिखाई गई जो सभ्यता और संस्कृति है उसी को आज भी हमारा इंडिया क्या करता है, फॉलो करता है। जो हमारे पूर्वज दे कर चले गए, जो संस्कार हमें दे करके चले गए, आज भी इंडिया स्थिर है और उसी को फॉलो करता है, ठीक है ना। विच इज ट्रू एंड सस्टेनेबल, जो क्या है, जो सत्य है और टिकाऊ भी है, ठीक है ना। ट्रू मतलब सत्य है और सस्टेनेबल मतलब क्या होता है, टिकाऊ है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन डिड नॉट नीड एनी आउटसाइड गाइडेंस, भारतीय सभ्यता को तो कभी बाहरी गाइडेंस की जरूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि इस भारतीय सभ्यता का जो संस्कृति है इसका बीज बोने वाले हमारे पूर्वज ही बीज बो चुके हैं कि हमारे सभ्यता और संस्कृति कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं, बिना देर के यहां तक हम लोग समझ गए, तो अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो चलिए आप बिना देर किए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं और समझते हैं। फाइनली ये दो पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपका चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, और फिर आप देखेंगे इसमें दिए गए प्रश्न को आप समझेंगे और फिर उसका आंसर लिखेंगे तो एकदम धड़ाधड़ आप आंसर लिख पाएंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए अगला पैराग्राफ क्या है, आवर एंसेस्टर्स कीप्ट अस अवे फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स। देखिए हमारे जो पूर्वज है ना, आवर एंसेस्टर की बात हो रही है, जो हमारे पूर्वज हमें सभ्य और संस्कृति, यानी जो हमारे अंदर सभ्यता और संस्कृति का जो विचारधारा उत्पन्न करके चला गया, जो हमारे अंदर जो क्या बताते हैं दूसरों के प्रति स्नेह और दया दृष्टि जो दे करके गया है, ठीक है ना, हमारे अंदर मतलब हमको जिस तरीके से हम सभी नागरिकों को, हमारे इस देश के जितने भी नागरिक हैं, जो सभ्यता और संस्कृति हमारे पूर्वज से मिल चुकी है हमारे देश के नागरिकों को, वो जो दे करके गया वो आगे वो लोग और भी क्या बता
बता करके गए हैं वो इस पैराग्राफ में हम समझा रहे हैं। देखिए, आवर एंसेस्टर कीप्ट अस अवे फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर, हमारे जो पूर्वज हैं ना वो कहे हैं कि आप लोगों को जितने भी हैं आप लोगों को मतलब क्या बताएं, भोग और विलासिता से दूर रहना है, बोले तो जिससे आपको बहुत ज़्यादा आनंद मिले ना, यानी लग्जरीज एंड प्लीजर का मतलब होता है भोग और विलासिता, ठीक है ना, यानी कि जिस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा मिले तो उस मज़ा को नहीं लेना है, क्योंकि उस मज़ा से जितना ही परे रहेंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपका लाइफ जो है ना बिल्कुल लग्जरी बन के रहेगा, ठीक है ना, एकदम हैप्पी बन के रहेगा। लेकिन अगर आप इसे दूर नहीं रहते, ज़्यादा मज़ा लेने की कोशिश करेंगे तो मज़ा तो सजा में बदलेगी ही, क्योंकि मज़ा के बाद सजा ही होती है। तो इसलिए हमारे पूर्वज ने क्या कहा है कि इससे आपको अवेयर रहना, आपको दूर रहना है, ठीक है ना, बिकॉज क्योंकि द मोर दे इंडल्ज इन प्लीजर्स द मोर दे आर अनसेटिस्फाइड, क्योंकि हम लोग मज़े में जितना ही विलीन होते हैं, जितना ही हम लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं उतना ही हमें असंतुष्टि मिलती है, बिकॉज क्योंकि हैप्पीनेस इज ए मेंटल स्टेट, हमारी जो खुशी है ना ये एक मानसिक अवस्था है और डज नॉट डिपेंड ऑन वेल्थ एंड पोजेशन, और यह जो है ना यह खुशी आपके, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो खुशी की हम बात कर रहे हैं तो ये एक मानसिक अवस्था है और डज नॉट डिपेंड ऑन वेल्थ एंड पोजेशन, यह खुशी जो है ना आपके वेल्थ पर डिपेंड नहीं होता है और ना ही आपके पोजेशन पर, वेल्थ बोले तो धन पर और आपके कब्जे पर यह निर्भर नहीं होता है कि आप इसे चाहें कि कब्जा कर लें, ठीक है ना, इस खुशी पर और हमारा राजपाठ चले और मैं जब चाहूँ खुश रहूँ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आप खुश हैं, कोई पल आएगी, कोई क्षण आएगी, किसी तरीके का हवा का झोंका आएगा, आप एक बार में निराश हो जाएंगे, इसीलिए हमारे एंसेस्टर कहते हैं कि इसे आपको भोग विलासिता से दूर रहना चाहिए, आपको ज़्यादा आनंद और खुशी में नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। एज इट इज सीन, ऐसा देखा गया है डैट द रिच आर अनहैप्पी, क्योंकि बहुत अमीर लोग, क्या हम लोगों की मानसिकता क्या चलती है ज़रा सोचिए, हम लोगों की मानसिकता यही ना चलती है कि बहुत ज़्यादा जिसके पास पैसा है बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत जो गरीब है वो दुखी है, ऐसा नहीं है। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि आप अगर इस खुशी और आनंद से परे रहेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी मजा चखने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा मजा में रहने की कोशिश करेंगे, एक दिन सजा में बदल जाएगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी लिखी हुई बातें सही है। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है ना कि एज इट इज सीन, ऐसा देखा गया है डैट द रिच आर अनहैप्पी, यहाँ पर जो है ना धनी जो होते हैं ना वो नाखुश होते हैं एंड द पुअर इज हैप्पी, जबकि वहीं पर गरीब खुश होते हैं, क्योंकि यह जितनी भी है ना खुशी इसको हम लोग कब्जे में नहीं रख सकते हैं, इस ये किसी धन पर निर्भर नहीं करता है कि जिसके पास धन है उसके पास खुशी है और जो गरीब है वो दुखी है, ऐसा नहीं है। अब चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं और फिर उसका पोस्टमार्टम हिंदी में करके हम लोग समझते हैं। तो अगला पैराग्राफ आप यहाँ देखेंगे क्या लिखते हैं गांधी जी, देखिए गांधी जी की रोल फार्मर के लिए भी बहुत अच्छा रहा है, देखिए इस किताब में जो पैराग्राफ है ना ये सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगा और इस चीज़ को भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए समझिए यहाँ पर, द फार्मर ऑफ इंडिया वेयर ट्रबल, देखिए इस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में किसानों के बारे में जो बातें लिखी और मैंने जो पढ़ा और जो समझा मतलब मेरा भी दिल दहल गया, ठीक है ना, कि किसानों के साथ भी क्या अत्याचारी हुई थी और फिर गांधी जी ने क्या लिखा है, द फार्मर ऑफ इंडिया वेयर ट्रबल, जो हमारे भारत के किसान थे ना वो भी काफ़ी समस्या से ग्रसित थे, बाय द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो इन चंपारण, चंपारण में नील की खेती से वो लोग काफ़ी समस्या से ग्रसित हैं, बींग डन बाय द ब्रिटिश, जो खेती ब्रिटिश शासन के नेतृत्व में किया जाता था, यानी कि जो हमारे ब्रिटिश जो थे जो हमारे अंग्रेज थे, ठीक है ना, ये हमारे भारत के जो किसान थे उनसे वो लोग क्या कराते थे, नील की खेती कराते थे, और आपको तो पता है कि नील की खेती होने के बाद वो खेत जो है ना कुछ दिन के लिए बंजर पड़ जाता है या उस पर किसी नए उपज का या फिर नए खेती करना, नए पौधे का वहाँ से उत्पादन कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहाँ खेती फिर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो ये किसानों के लिए एक समस्या बन चुकी थी, दिस इंडिगो कल्टिवेशन हैड बिकम ए ग्रेट प्रॉब्लम, या जो नील की खेती थी, दिस इंडिगो कल्टिवेशन यानी यह नील की खेती हैड बिकम ए ग्रेट प्रॉब्लम, यह एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी ऑफ द फार्मर, किसके लिए, किसानों के लिए, द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड यानी कि जो अंग्रेज के जमींदार थे, जो अंग्रेजी जमींदार थे, वाज एक्सप्लॉइटिंग द फार्मर, ये लोग किसानों के क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, जो अंग्रेज
जमींदार थे, जो ब्रिटिश जमींदार थे, वो क्या कर रहे थे? एक्सप्लाइटिंग कर रहे थे किसको? फार्मर को, यानी किसान को वो लोग क्या कर रहे थे? शोषण कर रहे थे। मीनवाइल उसी बीच क्या हुआ कि गांधी जी विजिटेड चंपारण, और उसी बीच जब ये लोग शोषण कर रहे थे, गांधी जी ने विजिट किया चंपारण के लिए, ठीक है ना, और स्टडीड देयर प्रॉब्लम, और किसानों की क्या किए हैं, वो स्टडी किए, मैंने किसानों के हर एक समस्याओं का अध्ययन किया, एंड और स्टार्टेड स्ट्रगल, और उन्होंने संघर्ष किया। कैसा संघर्ष किया जी? तो देखिए, ही स्टार्टेड ए काइंड ऑफ नॉन वायलेंट मूवमेंट। गांधी जी ने क्या शुरू किया? देखिए, ही के जगह पर गांधी जी समझिएगा। गांधी जी ने स्टार्टेड ए काइंड ऑफ नॉन वायलेंट मूवमेंट। गांधी जी ने एक क्या है, अहिंसक आंदोलन शुरू किया। द फार्मर्स ऑफ चंपारण रैलीड अराउंड हिम, और जब उन्होंने अहिंसक आंदोलन शुरू किया ना, तो वो क्या हुआ कि चंपारण में सारे किसान जो है ना, एक साथ रैलियां निकाले उनके चारों तरफ। अल्टीमेटली अंततः, माने अंत में, गांधी जी फ्रीड द फार्मर्स। गांधी जी ने किसानों को स्वतंत्रता दिलाई फ्रॉम बोथ, यानी दो चीज़ों से। क्या? तो दो चीज़ें वो क्या थी, जब ब्रिटिश जो था ना, जो अंग्रेज था, वो इंसानों को क्या कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा डर फैला करके और उन्हें शोषण करने की कोशिश कर रहा था, और उन्हीं दो चीज़ों से गांधी जी ने किसानों को क्या की, स्वतंत्रता दिलाई। देखिए, बोथ एक्सप्लाइटेशन एंड फियर, गांधी जी फ्रीड द फार्मर्स। गांधी जी ने स्वतंत्रता दिलाई किसानों को फ्रॉम बोथ एक्सप्लाइटेशन एंड फियर, यानी कि दोनों चीज़ों से, एक्सप्लाइटेशन एंड फियर बोले तो शोषण से और डर से उनको मुक्ति दिलाई। ऑफ ब्रिटिश रूलर्स, जो ब्रिटिश का रूल था, उस रूल से किसानों की क्या हो रही थी, शोषण हो रही थी, और उनके डर भी काफ़ी बने हुए थे, उनके डर से ये लोग काफ़ी जो है ना डर करके, और जो चाहता था ब्रिटिश का जो शासन था, जो अंग्रेज का जो शासन था, जिस तरीके से किसानों के ऊपर जो चाहता था, किसानों से वहीं खेती करवाता था। तो कुल मिला जुला कर यहाँ पर आपका चैप्टर समाप्त होता है, और यहाँ आप ठहरे, देखिए मैं इसको मिटा करके फिर आपको एक बार रिवीजन के तौर पर मैं समझा देता हूँ ओरली, ताकि आप जब समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आंसर करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, बिना देर किए उसको भी समझ लेते हैं। तो फाइनली, अंत भला तो सब भला, और यहाँ पर जो हम लिखे हैं पूरे आपके पहले चैप्टर का निचोड़ लिखे हैं। देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके राइटर हैं मोहनदास करमचंद गांधी, इनकी जन्म जो है ना 2 अक्टूबर 1869 को हुई थी, और इनकी मृत्यु की बात करें तो 30 जनवरी 1948 बाई द हैंड ऑफ फैनेटिक, यानी कट्टरपंथियों के हाथ से मारे गए थे। अब देखिए, इन्होंने सिविलाइजेशन के बारे में क्या खूब लिखा है, बोला है कि हमारी सभ्यता, मेरा मानना है कि हमारी सभ्यता और सभ्यता से काफ़ी अलग है, खास तौर से अगर यूरोप के कंपैरिजन में बोला जाए तो हमारी सभ्यता यूरोप से काफ़ी अलग है। और सभ्यता के बारे में इन्होंने खूब लिखा है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाने की कोशिश किया, यानी सिविलाइजेशन के बारे में आप बढ़िया से समझ करके माइंड में सेट कर लीजिएगा, ताकि सिविलाइजेशन से अकॉर्डिंग अगर आपका क्वेश्चन कोई आता है तो धड़ाधड़ वो लिख दीजिएगा, यानी कि सभ्यता और संस्कृति से क्वेश्चन एक ना एक आता ही आता है, ठीक है ना। तो सिविलाइजेशन के बारे में हमने खूब समझाया भी, और अभी भी समझ लीजिए। देखिए, सभ्यता जो है ना, हमारे उस मार्ग को स्पष्ट कराता है, यानी जैसे कि हमारे कर्तव्य का मार्ग दिखाता है, बोले तो सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है ना, विच पॉइंट्स आउट टू द मैन द पथ ऑफ ड्यूटी। समझ रहे हैं ना, कितनी अच्छी लाइनें थी, यानी कि सभ्यता उस कर्तव्य का मार्ग दिखाता है, जिस पर हम, जिस काम को हम कर रहे हैं उसे सभ्य, और हमें यही सभ्यता हमें सभ्य और संस्कारी भी बनाता है। अब आगे क्या है कि गांधी जी डज फॉर किसान, देखिए इस किताब में आपके पहले चैप्टर में ये भी पढ़ना था कि गांधी जी ने किसानों के बारे में क्या लिखे हैं और क्या किए हैं किसानों के लिए। तो किसानों के लिए उन्होंने एक आंदोलन भी किया था, एक अहिंसक आंदोलन किया था, ठीक है ना, ए नॉन वायलेंट मूवमेंट किया था जो अंग्रेज़ों के खिलाफ था, और देखा जाए तो यहाँ पर प्रिफ्रेंस किसको मिल रहा था, तो किसानों को मिल रहा था, क्योंकि किसानों से अंग्रेज़ क्या करवाता था, नील का खेती करवाता था, और इससे हमारे किसान को काफ़ी क्षति पहुँचती थी, और वो काफ़ी निराशा हो जाते थे, और काफ़ी वो उनके लिए एक माने समस्या बन चुकी थी, ठीक है ना। तो उसके लिए गांधी जी ने किसानों को वहाँ से ये दो चीज़ों से मुक्ति दिलाई ब्रिटिश शासन से, यानी कि जो किसानों को हमारे अंग्रेज शोषण कर रहे थे उससे उनको मुक्ति दिलाई, और जो डर बना हुआ था उसे भी मुक्ति दिलाई। और देखिए क्या है, गांधी जी ने कहा है कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, यानी कि हमारी दिमाग जो है ना एक बेचैन चिड़िया है। इस किताब के अंदर ये भी पढ़ना था, ये एक पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट था
कि क्यों गांधी जी ने ऐसा कहा है, तो सच में अगर हम जितना ही किसी चीज़ की चाह रखेंगे उतना ही हमारी चाह बढ़ेगी, ठीक है ना। तो हमारा दिमाग एक बेचैन चिड़िया है। अब आगे क्या है, लिखते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूरोप। जैसे कि मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि सही बात है कि भारतीय सभ्यता जो है ना यूरोप की सभ्यता से काफ़ी अलग है। यूरोप सभ्यता आज भी रोम और ग्रीस का क्या करता है, पालन करता है, उसके दिए गए इंस्ट्रक्शन पर चलता है। लेकिन हमारा भारतीय सभ्यता आज भी स्थिर है। हमारे पूर्वज जो सभ्य और संस्कारी बना कर गए हैं, जो रूल और रेगुलेशन जो हमारे अंदर सभ्यता कूट कूट कर भर कर गए हैं, वो आज भी हमारे इंडिया उस सभ्यता का पालन करता है, उस सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से अपने आप को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब चलिए बात करते हैं कि आवर एंसेस्टर डिसीवेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर। ये भी एक पैराग्राफ था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि हमारे पूर्वज जो है ना भोग विलासिता से दूर रहने के लिए बोला है, जितना ही हम लोग मजे में रहेंगे उतना ही हम सजा काटेंगे। अंततः यहाँ पर होता है आपका चैप्टर समाप्त। अगर समझ में आया है तो कमेंट करके बताइएगा, कोई कंफ्यूजन होगी तो भी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं पूरे क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।